शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से हमारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है बेटा। पापा आप ही ने हमेशा से सिखाया है ना कि किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा भरोसा की जरूरत होती है। मेरे और अभय के बीच अब भरोसा ही नहीं रहा तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया ना पापा। मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। वरुण, अरे वरुण बेटा कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। तनुजा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ चाची, सब ठीक है ना? बेटा कल रात से अभय घर नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा है। हमारा दिन तो बैठा जा रहा है, कहीं वो कुछ कर ना बैठा हो। चाची आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ कि अभय कहाँ पर है। जल्दी लगाओ। निकाल रहा होगा अपना जंगली पना किसी और क्यों। मम्मी मैंने भैया के सारे दोस्तों से भी पूछा पर उनमें से किसी को नहीं पता कि भैया कहाँ पर है। हे भगवान। तनुजा आप एक बार श्रद्धा के घर पे फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ भाभी हम यही करते हैं। हेलो तनुजा जी नमस्ते। नमस्ते यशवि जी, कैसी हैं आप? अच्छा वहाँ सब कुछ ठीक है ना? यशवि जी हमें आपसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। वो क्या है ना कि अभय कल रात से। तनुजा जी मैं आपको फोन करने वाली थी, रात को अभय आए थे यहाँ पर और श्रद्धा उनको लेकर आपके यहाँ पहुँच रही होगी। सच? अरे यशवि जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। आपने तो हमारा दिन ही शुभ कर दिया। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? नमस्ते। तनुजा जी मैं, हेलो। हे भगवान, चलिए चलिए बहुत सी तैयारियां करनी है, हमारी बहू वापस आ रही है घर। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। हाँ भाभी हम तो कह रहे हैं आप अपनी बहू का स्वागत ना बिल्कुल वैसे कीजिए जैसे नई नवेली दुल्हन का करते। जाइए थाली लाइए। अरे रितु बिल्कुल सही कह रही है, हम अभी लेके आते हैं। हाँ क्या क्या नहीं हुआ है दीदू के साथ इस घर में, फिर भी इतनी आसानी से कैसे मान गई वो? मेरी सारी मेहनत इतनी आसानी से पानी फेर दिया श्रद्धा ने। बहू हमारी है तो स्वागत भी तो हम ही करेंगे ना। बुआ जी दीदू आत्मसम्मान की ना बड़ी बड़ी बातें करती हैं पर हमें तो लगता है ना कि आप भूल चुकी हैं, तभी तो वापस चली गई इसके पास और वो भी इतनी आसानी से। इतना तमाशा क्यों किया जब दो दिन भी दूर नहीं रहा गया इससे। अरे हालत तो देखो इसकी। चुप रहो अभी तो वो लोग आए, चलो चलो चुपचाप खड़ी रहो। हमारी बहू हमारी लक्ष्मी घर वापस आ गई। नहीं मम्मी जी Thank you.
पापा और मैं अभय को घर वापस छोड़ने आए हैं। कल रात वो नशे की हालत में हमारे घर पर बेहोश हो गए थे, तो सिर्फ इंसानियत के नाते हम इन्हें घर वापस छोड़ने आए। चलिए, दीदू में कम से कम इतना दिमाग तो है कि इस जंगली के साथ नहीं रहना चाहती। हालत देखिए इसकी। वरुण बेटा, अभय को अंदर लेके जाओ। मैं चला जाऊंगा। बहन जी, चलते हैं। श्रद्धा बेटा, चलो। चली गई। अभी तनुजा, आली गिर गई, मैं उठा देता हूं। अभी आराम से, आराम से। मैं ठीक हूँ। अच्छा, हाँ मुझे पता है तू ठीक है, चल। सुबह बर्फ वाला पानी, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ऐसे झटके से कौन जगाता है यार? बिना झटके के तेरे दिमाग में कोई भी बात जाती कहाँ है? क्या हो गया तुझे भाई? वैसे ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए। हम शराब पी के माफी मांगेगा तू श्रद्धा से? अब मैं क्या करूँ यार, इतना मनाने की कोशिश की उसे, वो मान ही नहीं रही है। उसने फैसला कर लिया, अब हमारा रिश्ता खत्म है। रिश्ता खत्म? रिश्ता खत्म उसने बोला और तूने मान लिया? अबे अगर ये रिश्ता खत्म हो गया होता ना, तो श्रद्धा तुझे सड़क पे फेंक के चली जाती, पूरी रात अपने घर पे नहीं रखती और आज सुबह तुझे घर पे छोड़कर नहीं जाती। रिश्तों के लिए श्रद्धा की जो श्रद्धा रही है ना, वो हम सब ने देखी। अब तू उस श्रद्धा को मत छोड़ मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को टूटने मत दे। और भाई मैं करूं क्या, वो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। ताने तो पकड़ पकड़ के मारता था तू उसे, पर अब माफी मांगने के लिए तुझे मेरी मदद की जरूरत है। अबे तेरा अलग भोकाल है, जा दिखा दे उसे अपना जज्बा, जा। अब बैठक है, जा ना, जा मना ले उसे। अश्विन जी, अगर आप इस तरह परेशान हो जाएंगी तो श्रद्धा को कौन संभालेगा? देखिए, मैं कल रात की बात भूल भी जाऊं, श्रद्धा की जिंदगी का क्या होगा ये कैसे ना सोचूं। माँ हूं उसकी मैं, देखिए ना कैसी अकेली लगी हुई है रसोई में।
अच्छा मम्मी, आज मुझे ऑफिस से आते वक्त थोड़ी देर हो सकती है। वो जो कल रात में मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था ना, वही आज क्लाइंट्स को दिखाने हैं, तो देर हो सकती है। आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? खाइए ना। हाँ बेटा। क्या हो गया पापा? खाने में नमक ज्यादा पड़ गया है क्या? कुछ नहीं बेटा, गले में कुछ अटक गया। हाँ पानी लीजिए। आप लोग चाय क्यों नहीं ले रहे? हे भगवान, मैं शक्कर डालना तो भूल ही गई। मैं भी शक्कर लेकर आती हूँ। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमारी बेटी ठीक नहीं है, ये बस हमारे सामने दिखावा कर रही है। लीजिए, चाय में शक्कर डाल लीजिए। आप बैठिए मम्मी, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। आप फिर आ गए अभय। मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपके साथ वापस नहीं आऊंगी। तुम नहीं चलना चाहती, पर मैं तो यहाँ आ सकता हूँ ना। अभय, अंकल आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपने ससुराल में रुक सकता हूँ ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ। श्रद्धा, थोड़ा रास्ता दोगी? रुकिए अब है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आपके साथ वापस नहीं आऊंगी, प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं अकेला घर नहीं जाऊंगा श्रद्धा, अगर जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपना जवाब और फैसला दोनों ही नहीं बदलने वाली हूँ। श्रद्धा, ये क्या तरीका बात करने का बेटा? मम्मी, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और मैं वो बदलने वाली नहीं। श्रद्धा बेटा, हम तुम्हारा फैसला समझते हैं, लेकिन ये घर जितना तुम्हारा है उतना अभय का भी है। बेटा, वो हमारे दामाद हैं। तुम नहीं जाना चाहती, ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसे कैसे घर से निकाल दें? उन्हें घर से निकालना घोर अपमान है। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने दामाद के प्रति ये फर्ज निभाइए, लेकिन मैं एक छत के नीचे इनके साथ नहीं रह सकती। इनसे प्लीज कहिए कि ये यहाँ से चले जाए।
मेरी माता रानी, जैसे मेरी कीर्ति का घर दोबारा बसाया, वैसे मेरी श्रद्धा का घर भी बसा दे। उसको भी वो सारी खुशियां दे। आज आपने हमको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू सो मच। अब हमने ये वीडियो ना मम्मी को भी भेज दिया है, वो लोग भी बहुत खुश होंगे जितने आप लोग हैं। हाँ हाँ, तो जितनी खुशी हमें दादी बनने की हो रही है, उतनी ही खुशी उन्हें भी तो नानी बनने की होगी। और आज जब हमने हमारे होने वाले पोता या पोती की मुंह दिखाई कर ली है, तो फिर कुछ मीठा तो बनता ही है ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। भाभी, मुंह मीठा करने वाली बात करके ना आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। अभी लाते हैं मिठाई। तनुजा, हम जानते हैं आप हमारे लिए खुश हैं, लेकिन अभय को लेकर आपका मन दुखी तो होगा ही ना। सच कहें भाभी, तो आपको देख के ना हमारे मन में भी उम्मीद जागी है कि हमारा परिवार भी फिर से एक हो जाए और अभय श्रद्धा को वापस घर ले आए। हाँ, लेकिन तनुजा, जब श्रद्धा वापस आए ना, तो आप उनके साथ वो सब नहीं करिएगा जो अब तक करती आई। आपके कहने का क्या मतलब है भाभी? देखिए, कीर्ति को समझने में हमें वक्त लगा, लेकिन श्रद्धा तो पहले से ही समझदार है ना। अगर आपने उनकी इज्जत नहीं की, तो दोबारा आपको इतनी अच्छी बहू मिलना नसीब नहीं होगा। ये लीजिए, आप लीजिए, आरती को दे। अरे, एक तो रो धो के तमाशा करके इनके परिवार में सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन हमें ताना मारने का मौका भाभी कभी नहीं छोड़ेगी। भाभी, चाहिए छोड़िए ना, जब भाई श्रद्धा को वापस लेकर आएगा, तब आप भर भर के ताने सुना दीजिएगा। उठो श्रद्धा, उठो। क्या हो गया मम्मी? उठो बताती हूँ, बाहर आओ। अचानक क्या? आओ तो बताती हूँ। श्रद्धा, ये देखो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने कमरे की खिड़की से देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। दामाद जी अपनी जगह से हिले नहीं है, देख देख ठंड से कैसे कम कपा रहे हैं वो। मम्मी, अपने जिद के आगे इन्होंने किसी की सुनी भी है आज तक? तो बेटा, क्या उन्हें ऐसे ठंड में बैठे रहने दोगी? तनुजा जी को पता चलेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? खुद को माफ कर पाओगी? अगर दामाद जी को कुछ हो गया तो, वो बीमार पड़ गए तो? श्रद्धा,
हमेशा की तरह मेरी जान बचाने का शुक्रिया। ये सब तमाशा करके आप अपनी तबीयत सिर्फ और सिर्फ खराब कर रहे हैं। अब यही मेरा घर है और आप प्लीज चाहिए यहां से। मैंने नफरत दिमाग से की थी, दिल की नहीं सुनी, पर आज आज दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। आपकी नफरत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है भाई। अब आपकी ये माफी कुछ ठीक नहीं कर सकती। कोशिश तो कर सकता हूं ना श्रद्धा, मेरी गलतियां ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि सब ठीक नहीं होगा कभी, क्योंकि तुम्हारे ये आंसू में मुझे उम्मीद दे रहे हैं श्रद्धा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आपकी ये मौजूदगी मुझे रुलाती है। आप जाइए यहां से प्लीज, अबे आप जाइए यहां से। श्रद्धा क्या हुआ बेटा? श्रद्धा क्या हुआ बेटा? मम्मी अपने फोन करने का वक्त आ गया है। श्रद्धा अरे चोर, एक लोगों के घर चोरी करता है। श्रद्धा किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।